Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. आपको सिद्धू जी की बड़ी याद आने वाली है। क्यों? वैसे तो हम आपको कभी भूलने भी नहीं देते। नहीं देते। लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं उनमें से एक देश के जाने माने कवि और शायर हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम हिंदी के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप पहली बार आए थे जी, आपके शेर सुन के तो आप तो खैर बहुत ही मजे हुए हैं। सामने से भी एक आध आता था जी, जी। बस अंतर इतना हुआ है कि पहले शेर था, अब शेर नहीं है बैठे सामने। तो इनके ऊपर दो लाइनें अगर हो जाए नहीं, तो मजा आ जाए हमारे दर्शकों को। इतनी बड़ी अर्चना जी, दो लाइन में थोड़ी आएंगे। वैसे कपिल जी, अभी कुमार ने तो मेरे ऊपर एक लाइन दो लाइन कुछ भी नहीं कही, लेकिन मैं कुमार के लिए चार लाइनें कहना चाहती। अरे क्या बात है, मेरी लाइनें नहीं है, अशोक साहिल जी की लाइनें हैं। क्या बात है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। क्या बात है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नबज नबज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। वाह! आप 30 साल से कुमार, आप अपनी कविता से पूरे देश में और पूरे विश्व भर में हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। हिंदी की कविता इतनी खास और खूब है आपकी, तो आपको सलाम। बहुत अच्छे। ये जो अर्चना जी ने जानबूझ के कहा कि मैं 30 साल से देश दुनिया में कविता सुना रहा हूँ जी, इससे बताना चाहती है कि 30 से तो ऊपर हो गया है ये। आप जब पिछली बार आए थे तो आप थे, अब आप हम जैसे हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर देखो, व्हाट हैपेंड सर, राजनीति राज नहीं आई ऐसा आपको? ऐसा नहीं है, ये केवल हॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि झाड़ू लगा के आदमी उड़ता है नीचे। तो इसलिए मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं इससे बाहर आके अपना कुछ काम वाम करूँ। अच्छा काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो हैं, इनकी एक नई किताब जो है वो दर्शकों के रूबरू हुई है। आज का विमोचन होगा और 12 साल बाद दूसरी किताब आ रही है। पहली किताब कोई दीवाना कहता आई थी, जो आपने बहुत अच्छे से सुनी थी। कुछ एक हो जाए सर उसमें से कोई नज्म अपनी किताब में, चार लाइनें उसमें सुना देता हूँ, आप सब सुनिएगा उस तरह से। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। वाह वाह, ऐसा करना पड़ता है। है ना, स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है। के इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आँख में ऐसे पानी का क्या फायदा, के जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। वाह, जिनका ब्रेकअप हो गया हो उनके लिए चार पंक्तियां पेन किलर के रूप में। के जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, ये हमने भी गाई है कई बार जी, अभी 1.5 साल पहले गाई थी। जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, वाह, व्यर्थ किस्मत
पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना के हम तुम मिले ही नहीं। क्या बात है सर, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और बाकी कविताएं पढ़ने की। अच्छा कुमार भाई, ये जो इसके पब्लिशर है इस बुक के जी, वो राजकमल हैं। हाँ। तो ये राजकमल ही क्यों चुना आपने? कमल का राज था तो मैंने सोचा। कुमार साहब, आप राजनीति में तो चलो नजर नहीं आते जी, आपके मन के ऊपर है, आप नहीं जाना चाहते, अच्छी बात है। लेकिन ये जो पहले पहले आपको हम लोग अक्सर टीवी पे देखते थे, जो अलग अलग न्यूज चैनल पे डिबेट्स होती थी, तो अक्सर आप वहाँ पे उपस्थित होते थे, अब वहाँ पे भी नजर नहीं आते आप, ऐसा क्यों? दरअसल आजकल जो डिबेट्स टीवी पे हो रही हैं वो जनरली ऐसी होती हैं जैसे लखनऊ के नवाब मुर्गे लड़ाते थे ना। तो एक वो सब तरफ से खराब नवाब बैठा रहता था और होश हुश करता रहता था। तो आजकल डिबेट्स ऐसी हो रही हैं। तो मैं बहुत वक्त तक गया और कई चैनल्स तो ऐसे थे, अंग्रेजी चैनल में जो डिबेट करने जाता था मैं, तो बड़ा मजा आता था। वो जो हमारा अंग्रेजी का एंकर होता था वो अंग्रेजी में शुरू बात करता था। सो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, यू नो कुमार? तो मैं उससे कहता था कि भारतीय संविधान की निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत विचार करते हुए मेरा कथन इस प्रकार से है। तो उसको हिंदी उतनी समझ में आती थी जितनी तुम्हें अंग्रेजी समझ में आती है। इसलिए उसमें मैंने जाना बंद कर दिया कि इतने सारे शोर में कौन अपनी बात कहे जी। और मैंने एक शेर सुना, मैं आपको सुनाता हूँ जी, कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। वाह वाह, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। वाह सर, क्या बात है, जो भी आप बोलते हैं मजेदार ही बोलते हैं। तो आज डॉक्टर साहब के साथ उनके दो बड़े ही घनिष्ठ मित्र जो हैं वो भी यहाँ पे हैं, आप सब उनको बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ सर, मैं हमेशा जो भी हमारे मेहमान आते हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, उनके लिए कुछ लाइनें बोलता हूँ। आज आप यहाँ हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज, आज जो दो मेहमान हमने यहाँ बुलाए हैं वो स्पेशली इसलिए बुलाए हैं, मैं इस शो पे हूँ कपिल के, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो प्रोग्रेस है कपिल शर्मा शो की और इंडिविजुअली कपिल शर्मा ब्रांड की, वो एक आदमी की प्रोग्रेस नहीं है, वो हिंदुस्तान के देसीपन की प्रोडक्ट है। बिल्कुल, थैंक यू सर। जब एक आदमी बिल्कुल ग्रास रूट से नीचे उठ के ऊपर आता है और उसे पूरा देश सुनता है, तो आज मैंने अपने दो दोस्तों को आमंत्रित किया है जो इसी तरह से देसियों से, देसी समझते हैं ना आप? जी जी, हम और आप। हाँ, जो हम हैं ये इसमें भी देख रहे होंगे बहुत सारे। देसी वो होता है जो ट्रॉली बैग खरीदता है 20-30 हजार रुपए का और फिर उठा के चलता है कि पहिए ना घिस जाए। ये और देसी की मैं आपको पहचान बता दूं, देसी कैसा होता है, देसी कहाँ घूम के आया है छुट्टियों में और किस होटल में रुका है। अगर आपको ये पता करना है तो आप उसके बाथरूम में जाइए। अच्छा। इसे कहते हैं देसी। आप उसके बाथरूम में जाइए, जकूजी में भी बाल्टी रखी मिलेगी। और मैं बता रहा हूं तुम्हारे अभी यही हो रहा होगा। नहीं, पक्का हो रहा होगा। अर्चना जी, मेरी बीवी ने जब इंटीरियर कराया तो इंटीरियर वाले आते हैं ना, अंग्रेजी में ज्ञान देते हैं कि इसमें वर्लपूल उठेगा मैडम और इसमें ऐसे जकूजी में होगा, वो जाके दुबई वुबई से वो अल्मोनियम की मोमबत्तियां खरीद लाई चारों तरफ जलाने की। अच्छा। और वो पत्ते वत्ते डालने का। कसम खा के तुम्हारी कह रहा हूँ, 6-7 साल हो गए उस जकूजी को लगे हुए, दो एक बार मैंने अपना कुत्ता तो लेटा हुआ देखा है, मैं तो नहीं नहाया भाई। तो हम लोग देसी हैं और नेशनलिस्ट देसी जो होता है ना, जो बिल्कुल इसके अंदर हिंदुस्तान भरा होता है जी। उसका कैसे पता चले कि कितना हिंदुस्तान है उसके अंदर? कैसे? जो राष्ट्रवादी देसी होता है वेस्टर्न टॉयलेट पे भी ऊपर पैर करके बैठता है वो। तो मैं अपने दो देसी दोस्तों को बुलाता हूं, हिंदुस्तान का एक ऐसा बेहतरीन एक्टर जिसने हमारे दौर की हर तरह की जिंदगी को ऐसा जिया कि हमें लगा ये वही है, चाहे वो शूल में दिखाई दिया चाहे अलीगढ़ में दिखाई दिया। रामधारी सिंह दिनकर के बिहार से पूरे रंगमंच का एक बेहतरीन अभिनेता मनोज वाजपेयी। एक आदमी और रह गया जिसको यहाँ होना चाहिए जी। इस समय आप कोई चैनल खोलिए, कोई फिल्म देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देखने पर लगता है कि ये तो अभी डायरेक्ट उठा के जंगल से गांव से लाया गया है और फिल्म में आरोपित कर दिया गया। जब पहली बार मसान में उन्होंने वो डायलॉग बोला, जब उनसे पूछा हीरोइन ने कि आप अकेले रहते हैं, नहीं पिताजी के साथ रहते हैं, पिताजी अकेले रहते हैं,
आप सब समझ गए होंगे, गुरु पंकज त्रिपाठी। मनोज सर जी, पंकज भाई, आपने यहाँ पहले तो सुन तो लिया होगा कि देसी बॉयज की जो है डेफिनेशन क्या है। मैं इनसे कहना चाहूंगा जी कि मैं अपनी जकूजी में नहाता हूँ, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, और दूसरा मैं कमोड के ऊपर बैठ के नहीं करता हूँ, आराम से करता हूँ। लेकिन लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने जब पढ़ाई शुरू की थी तो झोपड़ी में, हमारे गांव में, जैसे कि पंकज ने भी की, गांव में जब हम जाते थे तो वहाँ पे पानी का तो कोई सिलसिला ही नहीं होता था, कोई टॉयलेट का भी सिलसिला नहीं होता था। तो विश्वास भाई, मैं आपको बताऊं कि हमने उस तरह से साफ किया है। अब आपको बता दो। अब चूंकि डॉक्टर साहब ने अब बात छेड़ दी तो दूर तक लग जाएगी। अब आप सोचेंगे कि पानी है नहीं और आप फिर साफ कैसे करें। तो क्रिएटिविटी गांव के लड़कों में बहुत ही कमाल की है। दिख रही है। जमीन पे बैठिए और ऐसी जगह देखिए जहां धूल हो। ऐसे नहीं कहते, मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार। और उसके बाद ऋतिक रोशन के स्टेप कीजिए। पर ये जो आपने किस्सा सुनाया ना, बचपन याद आ गया। पंकज भाई, कुछ आया याद आपको बचपन? नहीं नहीं, मैं एक चीज इसमें और ऐड कर दूंगा। देसी का सर ने इंट्रोडक्शन दिया, देसी क्या होता है? तो देसी जो है ना, देसी घी भी होता है। वो इतना दुर्लभ है कि उसके नाम पर शहरों में नकली घी मिलता है, लेकिन लिखा होता है देसी घी जी। लेकिन इस माया नगरी में आप दोनों देसी घी के वो डिब्बे हैं जिन्होंने कमजोर से कमजोर फिल्मों को भी ताकत दे दिया। दोनों आज इतनी मजेदार बातें होने वाली हैं कि आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथियों के लिए। अरे कहीं बैठो। पंकज भाई, जो भी कर रहे हैं, सुपर हिट कर रहे हैं, चाहे वो बैक टू बैक फिल्में हो या वेब सीरीज हो, यहाँ तक कि अगर टीवी शो में भी आते हैं तो वो भी द कपिल शर्मा शो में। मतलब एवरेज चीज तो करते कोई नहीं। भाई, आपकी सारी फिल्में धड़ाधड़ हिट जा रही हैं, हर फिल्म में आप होते हो, आपकी डिमांड ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा है आपका? बहुत अच्छे। मैं रोज अपनी बालकनी में आता हूँ इन दिनों जी, और अर्चना मैम का बंगलो दिखता है मुझे। मड में शिफ्ट हुए हैं, पड़ोसी बन गए। हाँ, हम दोनों पड़ोसी हो गए हैं। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। नहीं नहीं, EMI तो कम ही है, क्योंकि इतना कमा के चुका दिया पहले ही। डिमांड बहुत है, लोग प्यार करते हैं। क्या बात है, चाहते हैं। बड़ा दिल खुश होता है सर, क्या बात। और मैंने पंकज को पूछा है, आपको तो मेरा बंगला दिख जाता है, मुझे पता नहीं आपकी बालकनी कौन सी है। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं दूरबीन खरीद के आपको मैं ऐसे देखने वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन। ह्यूज ह्यूज फैन। कल सीधा जाना, अगर जब भी आपको जाना, दूरबीन वूरबीन से मत देखना। देसी आदमी है, कपड़े तो यहाँ पहन के आते हैं। भाई, आप फिल्मों में जब किरदार करते हो बड़े मजेदार होते हैं, और इतने भोले दिखते हो आप। अब सच्ची में भोले हो भाई के गुन्ने हो आप? मैं सच में भोला ही हूँ। मतलब मैं जब आप दोनों बात शुरुआत में कर रहे थे तो विंग्स में बैठे मैं डर रहा था कि मैं जाके बोलूंगा कि मेरी धड़कन 72 नहीं 84 so थी। क्योंकि हमें आदत नहीं है, आप कितने कमाल की बातें करते हैं, लगता है क्या बोलें। आप ये जो बोलते हैं यही बड़ा प्यारा लगता है। अरे, इसी का ही तो मजा आ रहा है। बहुत अच्छा। मनोज सर और पंकज भाई बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, कुमार भाई, अर्चना जी भी यूपी से हैं। अच्छा, कोई दौर होता था यहाँ पे पंजाब का बोलबाला होता था। आज बिहार यूपी जिसको चाह दिया ना, हाँ, वो केंद्र में सरकार बन जाती है। ये वही है जो अभी कह रहे थे मैं भोला हूँ। शातन का ये आता है, आता है। तो मेरा सवाल ये था सर, आप बिहार से हैं, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, आपकी दोस्ती कैसे हुई?
देखो बिहार और यूपी जो है ना वो हरकतों में साड़ू हैं। कैसे मतलब साड़ू समझते हो ना? नहीं कई जगह अचना जी साड़ू समझते नहीं है। मैं एक बार आईआईटी में गया तो वहाँ बिल्कुल एक बॉम्बे स्टाइल की लड़की थी तो मैंने साड़ू बोला तो लोग हंसे। तो उसने मुझसे पूछा सर व्हाट इज साड़ू, देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर। तो मैंने उसको कहा कि एक ही दुकान से लुटे हुए दो ग्राहक साड़ू कहलाते हैं। पर हम लोग साड़ू हैं। पर देखो वैसे सच बात यह है कि मनोज भाई से मेरी दोस्ती हुई पोइट्री की वजह से। अच्छा जी। दिनकर जितना इनको याद है, और अभी मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ आज कि एलजीबीटी राइट्स पर मेरे विचार एक टिपिकल हिंदुस्तानी जैसे थे, यानी कि मैं स्वीकृत होना चाहता था, मैं सहमत होना चाहता था, लेकिन मेरी पुरानी मान्यताएं, कस्बे गांव में हुई बातें, मजाक, वो सब आगे आती थी। लेकिन आज मनोज भाई मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कपिल के शो में कि जब आपकी अलीगढ़ मैंने पहली बार देखी, वाह, उस दिन से मैंने रेस्पेक्ट करना शुरू किया कि हर आदमी का अपना राइट है। और इनसे दोस्ती हुई मसान के दौरान, हमारी इनकी एक कॉमन दोस्त हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप फिल्म देखने के लिए आइए। तो मैं फिल्म देखने के लिए गया था और ये सोच के गया था कि कोने की सीट से बैठ के निकल जाऊँगा। अच्छा जी। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप बैठिए, पास बैठिए, बट वो फिल्म शुरू हुई और मैं यूँ बैठा रह गया और पीछे गया ही नहीं। बड़ी कमाल की। जब जब ये आए वो अष्टभुजा देवी से बातचीत करी, वो इतना कमाल था, मुझे लगा ये आदमी तो अपना है, ये आदमी तो अपने घर के आसपास का है, तो दोस्ती हो गई। मैं अब हम चूंकि इन्होंने हमारी बहुत तारीफ कर दी है और किताब का भी इमोशन इनका है, तो मुझे और पंकज को ये मौका मिलना चाहिए कि हम कुछ दो बातें इनके बारे में करें। जी जी प्लीज सर। क्योंकि इन ये जब आए हैं तो मौका हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हमें बीच बीच में ना कहां से देखना पड़ता है। यहाँ बहुत देखिए भैया ऐसा है ना, एक आदमी जो पहले कवि हो फिर वो नेता बन जाए, समझ रहे हैं? डेडली कॉम्बिनेशन। कितना खतरनाक संयोग है। ये तुम तारीफ कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? ये वो आदमी जो कह रहा था मुझे बोलना नहीं आता है। लेकिन कुमार के बारे में एक बात मैं बताऊं कि जब हम लोग 30 के आसपास हो रहे थे उस समय में हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये थी कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। अच्छा जी। मैं अंग्रेजी को भाषा नहीं मानता, खास करके इस हिंदुस्तान में, क्योंकि इसको भाषा के तौर पे कभी लिया ही नहीं गया। इसको एक स्किल के तौर पे लिया गया कि अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उस दौरान में एक युवा कवि आता है और पूरी की पूरी जो साहित्य है उसको पलट के रख देता है, उसको जनमानस तक लेके जाता है, और वो है कुमार विश्वास। क्या बात। और ये काम अपने समय में दिनकर साहब ने किया था, जब उन्होंने जो क्लिष्ट हिंदी थी उसको उन्होंने बोलने चालने की भाषा में परिवर्तित किया और उसमें बड़ी बड़ी बातें की और गांव गांव तक कविता को पहुंचाया था। और वही काम श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया। क्या बात है। दो लोगों ने किया। हमारे समय में जब कपिल शर्मा अपने एक शो से बहुत बड़ा स्टार बनता है, मेरे लिए वो फख्र की बात नहीं है। मेरे लिए फख्र की बात यह है कि एक आदमी आता है और इतने बड़े मन से अपनी भाषा पे गर्व करता हुआ यहाँ खड़ा होता है और अंग्रेजी वाले लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। क्या बात। थैंक यू। रियली रियली। पंकज त्रिपाठी जैसा आदमी जब गाँव से निकलता है, मेरे गाँव के पास के ही है, और उसी तरीके की संस्कृति से, उसी तरीके के परिवार से मैं भी आता हूँ जिस तरीके परिवार से ये आते हैं। और आपकी बदौलत मैं अभिनेता बना हूँ। सॉरी काट रहा हूँ, मेरे आप इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू भाई। एक्चुअली ऐसा हुआ मनोज सर, आज आप साथ में आए हैं, लेकिन जब भी पंकज भाई आए हमेशा उन्होंने आपका जिक्र किया है कि कैसे उनका आना हुआ। सॉरी आपकी, मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ इसलिए क्योंकि एक किस्सा इसने मुझे वासेपुर के दौरान सुनाया था। तो हम लोग बिहार वाले जो है थोड़ा सा खैनी उन्हें खा लेते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ की सारी सरकारी जो बिल्डिंग है उनका निचला हिस्सा आप देखिएगा। इसका प्रमाण है। लेकिन नहीं नहीं, उसमें मनोज भाई हमारे, अर्चना जी हमारे सरकारी बिल्डिंग है, उसके निचले हिस्से पे ऐसी अमूर्त कलाएं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनी होती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कलाकार आके बहुत देर देखता रहता है कि ये गाय चराता हुआ चरवाहा है कि जलेबी बनाता हुआ हलवाई है। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनमें से किसी भी आदमी ने वो काम नहीं किया होगा जो हमारे गांव से आया होगा। बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं। हमारे गांव का आदमी मतलब मुंह में रख करके पूरा दिन निकाल देगा लेकिन थूकेगा नहीं। वाह।
मुझे इससे एक किस्सा याद आया, सॉरी अब सुना ही दूं मैं वो किस्सा, कि हमारे यहाँ चार भाइयों का और उनके पिताजी हैं, उनका परिवार है। अच्छा जी। तो घर में पान की परंपरा है, घर में ही पान का डब्बा होता है, रखा जाता है। तो पिताजी और चारों भाई बनारस जा रहे थे नहाने, तो घर से निकले, अरे पान बना हुआ हो तो पान बना और चारों मुंह में डाल लिए। एक बड़े भाई चला रहे हैं, पिताजी आगे बैठे हैं और बाकी तीन भाई पीछे। चार घंटे निकल रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है, तो चाय पीने के लिए कहीं रुक जाओ। ऐसे करके आधे घंटे बाद इशारों में गाड़ी एक ढाबे पे रुकी। हाँ। ढाबे के पीछे गए और सब धरती के लाल हुए। खैर, लेकिन मनोज तुम्हारा वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो एक बार मुझे इन्होंने वासीपुर में बताया था, सर्दी की सुबह थी, हम लोग बैठे हुए थे अपने अपने कॉस्ट्यूम में। तो इन्होंने कहा कि भैया आपको याद है आपका चप्पल गुम हो गया था। मैंने कब? तो मौर्या में आप ठहरे हुए थे, आपका चप्पल गुम हुआ था ना। हाँ यार, मेरा चप्पल गुम हो गया था, वहाँ से मुझे मिला ही नहीं चप्पल, तो वो मैं लेके चला गया था। Really? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं इस घटना में सब करेक्ट है। मैं अपना वर्जन सुनाता हूँ। हुआ यूं कि अचानक हाउस के मैं किचन में था, किचन सुपरवाइजर था। अच्छा। उस वक्त तो कॉल आया कि अरे मनोज जी आए हैं, और मैं थिएटर करता था तो रसोई वालों को पता था, अरे मनोज बाजपेयी आए हैं। बोले हैं? हम तो मतलब ऐसे थे विस्मृत। तो मैं बोला यार उनके रूम से कोई भी ऑर्डर आए ना, रूम सर्विस को बोला तो मुझे बताना सीधे कि क्या चाहिए। तो खबर आई कि एक सूप चाहिए और सेव एप्पल चाहिए। तो मैं बढ़िया 50 किलो एप्पल में से आपके लिए 4 चुनवाए थे। कि थोड़ा भी उसमें कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं हो, अमूमन होटल में अच्छे होते हैं, बट उसमें भी मैं बेस्ट ऑप्शन निकलवा के और बढ़िया से उसका रैप वैप करा के और रूम में भेजा और बोला कि उनको, जो वेटर गया कि उनको बोलना एक लड़का है मिलना चाहता है थिएटर का, 2 मिनट में मिल लूँ। कट्टू मैं गया, भैया से मिला कि प्रणाम मैं भी थिएटर करता हूँ, पैर वैर छुआ, और ज्ञान भैया बैठे थे, ज्ञानदेव भैया भी। मैं निकल आया। अगले दिन सुबह में ये चेकआउट करके एयरपोर्ट गए, चले गए। तो आमतौर पर बड़े होटलों में आपका कोई छोटा मोटा चीज़ छूट गया तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वो इत्तला की जाती है। तो इनका एक हवाई चप्पल स्लीपर छूट चुका था, तो हाउसकीपिंग वाले ने बोला अरे तुम्हारे मनोज बाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि एक लव्य की तरह, एक लव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल लूंगा। आए हाय हाय हाय, क्या बात है पंकज, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, क्या बात है, वाओ, दैट इज सच अ स्वीट स्टोरी एंड देयर इज सो मच इमोशन इन इट। मेरे लिए इन सब लोगों की सफलता और इन सब लोगों की बातें, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अवार्ड इससे बड़ा होगा कभी। क्या बात, कभी। मैं ये जो यहाँ हुआ है, यहाँ होता नहीं है कपिल शर्मा शो में, ये नहीं होता है, लेकिन मुझे मुनव्वराना साहब का एक शेर याद आ रहा है। जी प्लीज। कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है। वाह। खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तुफन आया है। तो मनोज सर, जैसे पंकज भाई ने बताया कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, आप किन से इंस्पायर थे जब आप पहली बार? बचपन में तो सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही नहीं था। बात है। जी। लेकिन जब रंगमंच करने के लिए मैं दिल्ली पहुंचा जी, तो वहीं पे बता दिया गया है कि मेरी औकात क्या है। क्योंकि शराब को शराब बोलता था और जहाज को जहाज बोलता था। तब लोगों ने कहा कि अरे यार नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी है तुमने, हम कहाँ से देखते, बेतिया शहर में नसीर साहब की फिल्में नहीं लगती थी। उन लोगों की जो फिल्में धीरे 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 फेस्टिवल्स वगैरह में जाके देखनी शुरू की, अभिनय की बारीकियाँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे लिए ना ओमपुरी साहब, नसीर साहब, मेरे लिए ऐसा था कि
ये लोग मिल जाएंगे तो मेरा जीवन जो है बन जाएगा, है ना। और आज भी नसीर साहब को मैं रात को कभी 12-1 बजे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अचानक से जो है उनको फ़ोन लगाता हूँ, तो उस दौरान में मैं पिया हुआ करता था, तो उस दौरान में कुछ ज़्यादा फ़ोन चले जाते थे। ये अच्छा है। तो उस समय अचानक इमोशनल होके फ़ोन करता था उनको और सिर्फ इतना बोलता था, आई लव यू नसीर भाई। सिर्फ ये बोलने के लिए। मुझे लगता है कि अभिनय की बारीकियां इस हिंदुस्तान को नसीर साहब और ओमपुरी जैसे लोगों ने दी। बिल्कुल। और पंकज कपूर साहब ने, रघुवीर यादव, अनु कपूर उस दौरान में। और मैं एक बात इसके साथ ही अंत करना चाहूँगा कि हमने विश्व भर का सिनेमा देखा है और अभी भी देखते हैं, शोज देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से बड़ा कलाकार इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रॉबर्ट डेनिरो, पचिनो की बात करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं लोग, उनको भी देख के हमने सीखा है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब का देखिए, अपनी जवानी में ऐसी ऐसी फिल्में बिना पैसे की है उन लोगों ने, और 30-30 दिन में, 20-20 दिन में, 25 दिन में, गरीबी और भुखमरी में जो ग्रेट काम किया है उन्होंने, कोई रॉबर्ट डेनिरो करके दिखा दे, कोई पचिनो करके दिखा। वाह वाह। जैसे मनोज सर ने कहा ना कि हम लोग हिंदी भाषा में पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हमारे लिए हुआ ही था एक्चुअली, स्किल माना जाता है। और जैसे आपने कहा कि इंग्लिश फिल्मों का जिक्र, जब मैं भी नया नया बॉम्बे आता तो चार लड़कियां इधर उधर इंग्लिश में बातें करें, अच्छा तब बड़ा फील होता था कि हम क्या बात करें। हाँ। क्योंकि हमने तो वही दो देखी है, जुरासिक पार्क और टाइटैनिक। ऐसी चार लड़कियां कोई चैनल से, यू नो व्हाट पिक्चर वाज, अच्छा हिंदी में आप बड़ी भारी बात भी कर लो ना कि हमारे ये वो, इंग्लिश में कोई वैसे ही बोल जाए और ऊपर से सामने वाले को आती ना हो, बट यू नो व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आदमी वैसे कहता कि अच्छा वो लड़कियां जब बात करती थी ना चैनल से और इधर उधर दूसरे आर्टिस्ट, इवन दैट फिल्म यू नो रॉबर्ट इज टू गुड, और फिर हमें अपना पक्ष भी रखना पड़ता था, वो बात कहीं और ही चल रही, बीच में मैं बोलता था इवन टाइटैनिक वाज माइंड ब्लोइंग। बड़ा फंस जाता है आदमी। क्या होता है ना कि मरीज जब डॉक्टर के यहाँ जाता है ना, हाँ। डॉक्टर अंग्रेजी बोले ना, हाँ। तो उसको लगता है बीमारी ठीक कर देगा ये। और ये तो ठीक कर ही देगा यार। और कोई बोल दे हाँ क्या हुआ है, बैठो इधर मुंह खोलो। एंड यही चीज आप इंग्लिश में बोलो, कैसे हाँ। बोलेंगे सर, व्हाट हैपेंड, सिट हियर, ओपन योर माउथ, तो लगता है यार गुरु ये ठीक कर देगा। एक ही चीज है दोनों बोलेंगे। और यहाँ पे मुंबई जैसे शहरों में आधा डॉक्टर तो पेशेंट ही होता है, खुद ही डॉक्टर को जाके बोल देते ना, सर लास्ट नाइट आई हैड अ प्रॉब्लम थ्रोट पेन। अच्छा ये डॉक्टर यहीं पे कामयाब है, इनको छोटे शहर ले जाओ। अगर पेशेंट ने आगे बोला डॉक्टर साहब रात से गुड़ू गुड़ू हो रहा है, अब आप बताओ माइका लाली की कौन सी MBBS बुक में लिखा है गुड़ू गुड़ू का मतलब क्या होता है। तो अपने देसी लोग ही समझते हैं, जहाँ हिंदी चलती वहाँ हिंदी ही चलेगी। हमारी दीदी है एक, तो उनको दर्द होता है ना, तो ए डॉक्टर साहब क्या हुआ, बोले पैरवा गन गन कर रहा है। वो डॉक्टर कलकत्ते में गन गन कर रहा है, तब उसको लगे गन गन क्या कर रहा है, दर्द को गन गन बोलती है, बहुत गन गन कर रहा है पैर, अब समझ लो। हमारे इलाके में मेरठ के पास में आप बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, चौधरी साहब लोग, पैसा बहुत आ गया, काफी पैसा है, अब वो ताऊजी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब वो लेके गए, अब डॉक्टर पद्मश्री है, पद्म भूषण है, अब वो कह रहा है हाँ अंकल कैसे क्या होता है बताइए, अब चौधरी साहब ने बताया भाई काड़ जे में धुम्मा सा उठे। मेरा एक कजिन जो है चक्रपाणी, वो हमारे पड़ोस में ही इसका क्लिनिक है, तो मैं अक्सर उसके पास रहता हूँ, बड़ा जॉली, तो वो लिख के देता है, एक आ गई ताई उनके घुटने में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उन्होंने उसको दिया लिख के, कोई बात नहीं ताई जी ये मैं लिख रहा हूँ और इसे सुबह शाम रगड़ लेना। हाँ। उन्होंने पर्ची उठाई और फिर बोली भाई यो जिधर से लिख रही है उधर से रगड़नी है। हमारे इलाके में जो डॉक्टर बहुत गुस्सा करे उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा अच्छा। और क्योंकि पेशेंट जो है डरा हुआ रहता है, उसको लगता है ये बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसको गुस्सा बहुत आता है, डांट देता है, डांट देता है डॉक्टर, है ना। तो जैसे कोई आए बहुत दर्द हो रहा है, चुप, हां बैठो, और वो चुपचाप बैठ के
एक डॉक्टर थे, वो कलाकार भी थे. अच्छा. बहुत बड़े डॉक्टर थे, सच में मूर्धन्य अद्भुत डॉक्टर थे. तो वो कोई मरीज आया उनके पास, एक निकला और एक पेशेंट अंदर गया तो हो सकता है वो एक घंटे भी लग जाए. अंदर क्या हो रहा है बाहर कंपाउंडर को कुछ पता नहीं है. हाँ. बोला रुक जाओ, वो निकलेगा तभी जाना है, ऐसे में झांक नहीं सकता. तो वो ना आके बैठ गया. हाँ क्या हुआ है? तो बताना शुरू किया. सितार बजाते थे वो. वो सितार लेके और बैठो. आधा घंटा वो सितार बजाएंगे, वो सुन रहा है. और लास्ट में बोले हाँ बोलो क्या है. तो बोला कुछ नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था. अब वो अपनी बीमारी को कम कर देता था आधे घंटे में. तो बहुत सस्ती दवाएं लिखते थे, 2 रुपये की दवाएं ले जाओ खा लेना 10 दिन. हाँ. जाओ जाते हुए सुनो कैसा लगा जो बजाया मैं. वो अब गांव खेड़े के लोग सितार क्या समझे. बोले अच्छा था, वेरी गुड, जाओ ठीक हो जाओगे. अच्छा भाई, वो भी आजकल वो ये ट्रेंड मैंने मुंबई में देखा है कि डॉक्टर आता है और पर्ची लिख के दे दवाई बाहर से. हमारे वहां तो डॉक्टर खुद ही देता था. ये डॉक्टरों पर है क्या शो? है ना, डॉक्टर कुमार विश्वास आए तो डॉक्टर नहीं चाहिए. एक और किस्सा याद आ गया मेरा. छोटा सा, हम बचपन में पढ़ते नहीं थे गांव में. पढ़ाई में मैं भी बहुत एवरेज सा था. तो एक किस्सा हर घर में चलता था पूर्वांचल में, खासकर बिहार यूपी के उस इलाके में, कि नहीं पढ़ोगे तो क्या नुकसान होगा. एक बुढ़िया औरत गई, पढ़ी लिखी नहीं थी, डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने. डॉक्टर ने 2 बॉटलें दी उसको. हाँ. और भोजपुरी में बोलते हैं लगाने को लगाएं. अरे दादी ये इसको लगाएं और इसको पिलाएं. मतलब पीना और इसको लगाना. तो बोली हम तो पढ़ल लिखल नहीं थे डॉक्टर साहब. तो बोले बाएं हाथ में पकड़ी. हाँ. ये क्या है लगाएं और दाहिने हाथ में पियाएं. अब घर तक तुम याद करते जाओ लगाएं पियाएं लगाएं पियाएं. वो बुढ़िया अनपढ़ थी, घर के लिए निकली लगाएं पियाएं लगाएं पियाएं लगाएं पियाएं, रास्ते में मिस हो गया ये लगाएं ये पियाएं. तो जो लगाना था उसको पी गई और जो पीना था उसको लगा दी. तो इसलिए पढ़ना जरूरी है. कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है. समझता है नहीं तू है. तेरी हिम्मत कैसे हुई बे बैक टू बैक 2 एपिसोड में आने की? टैलेंट ले ही आता है कपू शर्मा, मेरे फैन नहीं मान रहे थे. आपको अगर आपकी बात का जवाब मिल गया हो तो मैं उनसे बात कर लूं जिनका मैं फैन हूं. मनोज सर कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया. कैसे हैं पंकज सर? एकदम बढ़िया भाई मेरे. कैसे? तुझे कितनी बार कहा मेहमानों के साथ डायरेक्ट नहीं होना. और मैं बाईपास से आऊं. जैसी तूने कविता सुनाई ना तूने, ये मार मार के तेरा तकिया कलाम सुझा देना. तकिया मेरा कलाम मेरा सूजन मेरी बीच में दाई मम्मा, तुम क्यों कर रहे हो? कपू शर्मा आपको पता है. हाँ. सोनी टीवी ज्यादा सास बहू वाले सीरियल क्यों नहीं बनाता? क्यों? क्योंकि रिश्तों में दरार डालने के लिए आप ही काफी हैं. दो भाइयों के बीच में फूट डाल रहे हो तुम. कौन दो भाई? मैं और कुमार भाई. वो PhD होल्डर, तू बल्ब होल्डर चुराने वाला आदमी. कपू शर्मा एक बार याद रखना, अगर होल्डर ना हो तो बल्ब नहीं जलता. और अगर चंदू इस शो में हो, शो नहीं चलता. धीरे बोल, सोनी चैनल को पता नहीं है तुझे रखा हुआ हमने. तुझे अंडर द टेबल रखा हुआ, आगे हेलो है करके निकल जाकर पटपट. वो दुनिया जिसको नुक्कड़ नाटक का बादशाह कहते, तुम उसके साथ ऐसे बातें कर रहे हो? मेरी बात सुन, नुक्कड़ में खड़ा हो गया, ये तू नाटक करता ना. ये इसको नाटक नहीं बोलते, भीख मांगना होता है ये. नुक्कड़ नाटक. कपू शर्मा एक बार मेरी फिल्म तुम थिएटर में लगने दो. अच्छा. मैंने तुम्हें प्रीमियर पर बुला के ना तुम्हारे पॉपकॉर्न नाना निकाल दिया, तो मेरा नाम चंदू ने. तेरे साथ कौन करेगा फिल्म? सर जी शादी होती नॉर्मल जी, दूल्हे के चेहरे पे उधर वो सेहरा. इसके कैमरा मैन ने हरा कपड़ा लगाया. कहता है मौका निकालो एडिट में देख लेंगे. ये तेरी हालत थी. हाँ तो नूर ही बहुत था उस टाइम पे, नजर ना लग जाए इसलिए कपड़ा डाला था. गौर से देखो मैं बिल्कुल आंखों से बात नहीं करता हूँ जैसे मनोज सर करते हैं. अच्छा पहले मुंह वाली तो ठीक से कर ले. आंखों से बातें करेगा ये.
कुमार सर जी, पंकज भाई, मनोज भाई जी, एक आप तीन दोस्त हूँ, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते क्या बात है? और एक ये दोस्त है, एक नहीं एक ही दोस्त है तेरा, बाकी तो तुझे छोड़ गए सारे। वो बोलते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, चंदू को भी उसके दोस्त नहीं समझ पा रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं मैंने न्यूटन की तरह कोई लॉ निकाल दिया ना, चार पुश्ते याद करेंगे कि चंदू क्या बोलकर गया था। अच्छा, तेरे को लॉ के बारे में किसने बताया? मेरे को लॉ के बारे में सारा कुछ पता है। क्या पता तेरे को? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये लॉ की सिस्टर मदर कर दी है। ये तो तुमने बनाया ना, तेरा अपना पर्सनल बता। ला पुराने कपड़े ला, जूते ला, वो बोल तू। वो तो मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, अमीर आदमियों से ऐसी चीजें लेता हूँ, गरीब आदमी बांट देता हूँ। अच्छा। सीधा बोलना, अमीरों से लेके अपने घर में रख लेता है। दो दो रुपए के लिए नाली में से गेंद निकाल के बच्चों को वापस करता है। क्या बताऊं मैं, शर्म आती है। गेंद नाली में गिरते तो बंदा नाली में से निकालेगा और ओवन में से निकाल कर तो बैठा ये गरम गरम गेंद। कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी सर मैं बच्चों की इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या पता कौन धोनी बन जाए, कौन सचिन बन जाए, कौन विराट बन जाए। अच्छा, ये इसकी एक चीज अच्छी है, खुद नहीं बनना कुछ, जो बने कोई और ही बने। वाह, इस बात का जवाब तुम्हें मेरा वकील ही देगा। अच्छा, कोर्ट में मिलेंगे। कोर्ट में मिलेंगे, आज तक पूरे पजामे में कभी मिला नहीं तू। ये हम सात दोस्त थे साथ। अच्छा, इसने कभी अंडरवेयर नहीं खरीदा? तो जब छह नहीं पहनते तो मैंने पहन के बाहुबली बन जाना था। प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो। पंकज सर, स्पोर्ट्स पे आपने वेब सीरीज की है ना? स्पोर्ट्स, मैं बड़ा फैन हूं। स्पोर्ट्स पे कौन सी वेब सीरीज की है? सीक्रेट गेम्स। पंकज भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, वो गुरुजी बनके ना इसका थोड़ा ज्ञान चक्षु खोल दो आज। मतलब कुछ भी बोल रहा है कपूर शर्मा, ज्ञान चक्षु तो तुम्हारे खुलेंगे क्योंकि मेरे फैंस मेरे को वेब सीरीज में देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो चलो फैमिली शो है ना, इधर कुछ कह नहीं सकता। वेब सीरीज तू कर क्योंकि इधर गालियां वाली अलाउड है, तुझे भर भर के मिलेंगे देखना। मेरे को ना सिखाओ, आप इनसे सीखो। देखो, आठ आठ एपिसोड करके एक सीरीज बना लेते हैं, तुम्हारे 75 एपिसोड हो गए हैं, एक भी सीरीज नहीं बनी। भाई एक बार सरदार खान बन के इसका थोड़ा सा मर्डर कर दो, दुआएं लगेंगी आपको। थोड़ा सा मर्डर। दुश्मनों को ये खल रहा है कि तूफानों में चंदू का दिया क्यों जल रहा है। वाह चंदू, वाह, बताओ है ना मेरी डिलीवरी इन सर जैसी? हाँ, अगर कोई ऐसा बोल जाए तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। नाम तो तू वैसे भी बदल ही ले। बहुत बढ़िया रिस्पेक्टेड नाम है नहीं तेरा? चंदू चाय वाला। चाय वाले दो ही फेमस है हमारे देश में। मनोज सर, एक्चुअली ये सीख रहा है, मैं चाहते हो इसको कोई डायलॉग बोल के बताओ आप। मनोज सर, इसका भ्रम टूटे और ये सुसाइड करे। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। अगर वो लड़की 24 घंटे के अंदर अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। सर, हाँ भाई, मंगोड़े प्रसाद, ये क्या होता है? तूने कहा था ना अगर मेरे से कोई बढ़िया बोल दे मेरा नाम बदल देना। अभी देख तेरे क्या क्या नाम पड़ते तेरे। यार मेरी दाल उबल रही है, मैं थोड़ा उसको देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, कुछ अफवाहें हैं जी आप सबके बारे में, तो आप आए हैं तो थोड़ा क्लियर ही कर दीजिए। एक अफवाह सच्ची है, पहले ही बता दूं। अच्छा, कौन सी? कि मेरी एक सीरीज है फैमिली मैन। बहुत ही कमाल का सीरीज है और मैं चाहूंगा कि सब लोग देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही करारा जवाब मिलेगा। बहुत अच्छे, वाह क्या बात। सर ये कुछ अफवाहें हैं, कुमार साहब आपसे शुरुआत करते हैं। आपके बारे में ये अफवाह है कि जब नए नए आपने शुरुआत की थी, जब तक ज्यादा लोग आपको पहचानते नहीं थे, आप ट्रक वालों से लिफ्ट लेके ट्रेवल किया करते थे। सही बात है सर? ये सच है। अच्छा जी, और हालत ये होती थी कि छोटी कवि गोष्ठी होती थी 100 रुपए की, 200 रुपए की, तो रात में बसेस बंद हो जाती थी हमारे इलाके में, तो ट्रक वाले से लिफ्ट लेके आते थे। तो वो भी दिन थे, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी,
सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। वाह वाह, आनंद के साथ। मनोज सर, आपके बारे में अफवाह है कि जो जो स्टूडेंट के लिए बस पास मिलता है, आप वो पास लेने के चक्कर में आपने दिल्ली के कॉलेज में एमए में एडमिशन ले लिया। एमए में एडमिशन लिया था मैंने। अच्छा जी। क्योंकि 12 रुपए का पास होता था वो, और मैंने एमए में एडमिशन लिया था पाली लैंग्वेज में। तो जब जब मुझे हाजिरी लगाने जानी पड़ती थी तो मेरा तो मतलब समझो कि मेरा दिवाला निकल जाता था, क्योंकि अच्छा कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वो प्रोफेसर क्या आके पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ वो बस पास पे हुआ करती थी कि 12.5 रुपये का वो बस पास मुझे हर महीने मिल जाया करेगा, और उसके लिए मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन बाद में वो भी त्याग दिया। मैंने कहा यार वो क्लास में जाना जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो थिएटर इससे अच्छा है कि मैं 2-4-5 दिन रिहर्सल के लिए चला जाऊँगा, वो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा मज़ा आता है मुझे उसमें, तो उसके लिए था। क्या बात है। पंकज भाई, आपके बारे में अफवाह है कि आपकी जो वाइफ है वो दिल्ली में आपके साथ बॉयज हॉस्टल में मूछे लगा के रहती थी। हाँ? ये सही बात है? बात सही है, बट मूछे नहीं लगाती। अच्छा। और मुश्किलात ये थे कि अलाउड नहीं था बॉयज हॉस्टल में लड़की का रहना। अच्छा। और मैं शादी कर लिया पास आउट होने के पहले। अच्छा। तो मैं चुपके से लाया। अमूमन बॉयज हॉस्टल में लड़के कम ही कपड़े पहन के रहते हैं जी, तो जब मालूम चला तो लड़के कपड़े पहनने लगे रात को। पता नहीं भाभी कब टीवी देखने आ जाए, इधर कहाँ दिख जाए। तो जो हमारे वार्डन थे उनको भी खबर लग गई, तो उन्होंने बोला एक 15-20 दिन बाद कि भाई तुम कब ले रहे हो लक्ष्मी नगर में कमरा। तो मैं बोला सर ले लूँगा जल्दी चला जाऊँगा। ऐसा हो गया था ना थोड़े दिन बाद, मुझे लग रहा मैं उनको बोलने वाला था कि अब तो मैं गाय लाने का सोच रहा था। कि गाय दूध दे दे और यहाँ पे चाय बना दे सुबह सुबह पिया करें, तो भेज रहे हैं लक्ष्मी नगर। तो सही है। वाह क्या बात। अच्छा, आपके बारे में अफवाह कुमार भाई जी कि आपने पॉलिटिक्स इसलिए छोड़ी क्योंकि धरने पे बैठ बैठ के आपका धरना सूज गया था। ये अफवाहें लोगों की हैं। नहीं नहीं, ये तो देखो पॉलिटिक्स तो मैंने नहीं छोड़ी है, और पॉलिटिक्स में मैं दो अलग अलग शब्द हैं, एक है वांछित, आदमी का मन होता है जी, और एक होता है जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस वक्त शायद उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जी, और हमको खुद को देश के लिए तैयार रखना चाहिए। जिधर जो अच्छा हो वो बोलना चाहिए, जो बुरा हो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये धरने वाली बात जो है थोड़ी थोड़ी है कि मुझे उससे डर तो लगता ही है, इतनी देर बैठना पड़ता है। बड़ी लाठियां खाई। पंकज भाई, ये अफवाह है कि कॉलेज के दिनों में आप 7 दिन जेल की हवा भी खा चुके हैं। हैं? हाँ हाँ। ये क्यों मतलब? मैं वही छात्र राजनीति में इनकी तरह मैं भी था। मुझे बड़ी पिटाई लगी थी। अच्छा जी। बट पुलिस वालों को ना एक बात पता नहीं, आप कितने उनको मारने का तरीका मालूम होता है। हाँ। वो ऐसे मारते हैं फ्रैक्चर ना हो। हाँ, तबलों पे मारते हैं ज्यादा। हाँ। ओ माय गॉड। तो अब देखिए क्या पॉलिटिक्स है मतलब। पंकज भाई, ये कहाँ से आइडिया आया था आपको पॉलिटिक्स में जाने का? अब करना चाहते थे पॉलिटिक्स आप? आप नौजवान होते हैं ना तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जाने की इच्छा होती है। कहीं तो जाए। तो हमारे अंदर राजनीति में जाने की आ गई थी। मनोज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी बिल्डिंग में जो सब्जी वाला आता है वो महंगी सब्जी देता है, इसलिए कभी कभी आप आज भी खुद खरीदते हुए घर जाते हैं। जी, शास्त्री नगर में सब्जी वाली है तो झूठ नहीं है। मैं सुबह सुबह जो है मैं चला जाता हूँ 7:30-8 बजे, और 3 दिन में आप मुझे वहाँ पे सब्जी खरीदते हुए पा सकते हैं। सब्जी खरीदना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। उसका हो सकता है कि किसान परिवार होने के कारण, या फिर सब्जी वाली पसंद हो शायद। मुझे नया बहुत मारेगी। आज तो अर्चना जी का पूरन सिंह बाहर आ। नहीं नहीं, सब्जी खरीदने का आनंद जो है ना। हाँ। वो सिर्फ सब्जी खरीदने में ही आती है। ऐसा आनंद है, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी मजा आता है। अच्छा। हाँ, परवल उसी सब्जी वाले के पास? नहीं। पंकज भाई, आपके बारे में एक और अफवाह है कि एक बच्चा आपके साथ अपनी फोटो दिखा के दावा करता है कि आप उसके पापा हो। सब्जी खरीद के सीधे घर जाया करो भाई।
नहीं, ये घटना हुई थी वैसे दुकान में एक दफे, मतलब मुझे कोई दूसरा आदमी आया और वो लड़का था एक दूसरा, तो उसके साथ एक लेडी थी, वो बोली कि ये फोटो देखिए आप ही हैं, तो मैं था, मैं बोला मैं हूँ, बोला ये बच्चा कौन है, मैं बोला मुझे नहीं मालूम कौन है, एक्टर हैं बहुत लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, बोला आप इसको नहीं पहचानते, मैं बोला नहीं क्यों, बोला ये तो अपनी कोचिंग में बोलता है कि आप ये हमारे पापा हैं। मैं सदमे में आ गया, ये सीरियस मामला हो सकता था कि अरे यार, अब मुझे लगा यार वो बच्चे की क्या मनस्थिति है, क्यों ऐसा बोलता होगा। तो ये घटना सच में हुई थी, पटना के एक दुकान में हुई थी, और मैं शौक था कि अरे ऐसा कैसे, फोटो खिंचवा के भूल गए थे जब। नहीं नहीं ऐसा। चलो बड़ा हो जाएगा तो नैन नक्श सामने आ ही जाएंगे। ये तो फिल्मों में है, पॉलिटिक्स में तो और अजीब काम होता है। आप किसी प्रोग्राम में गए, किसी रैली में गए, अब आप सीनियर लीडर हैं पार्टी के, किसी काम के लिए आप बैठे हैं, आपका नंबर आना है, एक लड़का आपसे चाय पूछने आता है। अच्छा भैया चाय में चीनी लेंगे क्या, ऐसे करके पूछता है, वो फोटो खिंचवाने के लिए बोल के आता है। हाँ। अगले दिन वो फेसबुक पे लगाता है, कुमार भैया के साथ आगामी विधानसभा पर गंभीर चर्चा करते हुए। अब वो लोगों से टिकट दिलवाने के पैसे ले लेता है। एक आदमी रोता हुआ आया, बोले साहब वो मैंने फलाह को दे दिया, मैंने ये कौन है, तो बोले वो आपके साथ फोटो था, विधानसभा की चर्चा कर रहा था, टिकट किसको बटेंगे। तो मुझे मेरे ऑफिस वालों ने बताया तो चाय में चीनी पूछने आया था कि चीनी। सीरियस बात है बहुत। सर बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे आप गुरुजी बन के विधान करते हैं, तो मनोज सर, कुमार भाई, आप तीनों जो भी आपकी समस्या है हमारे दर्शक पूछेंगे, आप उनको सलाह दे सकते हैं। जी तो कौन है हमारे दोस्त जो सलाह लेना चाहते हैं? जी हाय सर, हाय एवरीवन। हेलो हेलो, उनका नाम एवरीवन है। हाय सर, हाय एवरीवन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुणाल भालेराव है। कुणाल भालेराव जी। हाँ सर, मेरी समस्या ये है क्योंकि मेरा है ना 8 बार ब्रेकअप हो चुका है, और 8 बार ब्रेकअप हो चुका है, 9वीं बार मुझे एक लड़की मिली है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ। और है ना उसके घर पे ना एक डॉगी है, वो डॉगी जो है ना वो है ना उसके घर पे मैं जब कभी जाता हूँ ना, तो डॉगी मुझे ना भोंकता है या घूर घूर के देखता है, वो बोलती तुम जब इससे है ना दोस्ती करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अच्छा, ये कंडीशन रखी उसने? उसने ये कंडीशन रखी हुई, तो इसके लिए मेरे को सोल्यूशन चाहिए आपसे। तुम एक काम करो, अपना काम तो जारी रखो, एक फीमेल डॉगी पाल लो। हाँ। वो लेके जाया करो, वो दोनों अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो जाएंगे, तुम अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो जाओ। और साल दो साल बाद कपिल के शो में सब परिवार आना। भालेराव जी धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया। कमाल है। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त? नमस्ते एवरीवन। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। सर मेरी बहुत बड़ी समस्या है, यदि आप लोग कोई हेल्प कर सके तो। मेरे साथ दगा हुआ है और वो मुझे मेरी शादी के बाद पता चला है। क्या दगा हुआ? सर एक्चुअली उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया, कविताएं सुना के तो मैं इम्प्रेस हो गई कि भैया मेरे लिए कोई कविताएं लिख रहा है, और मैंने शादी कर ली, और शादी के बाद पता चला जो कविताएं सुन के मैं इम्प्रेस हुई थी वो कविताएं इनकी नहीं थी, वो कविताएं उनकी थी। तो मैं यहाँ देखूं कि वहाँ देखूं, समझ में नहीं आ रहा है। आप सूटकेस लाई है साथ में? ये अच्छा, वो ये आपके हस्बैंड है जी? सर जी। क्या हाल है सर? अच्छा कुमार भाई, आपकी तरह वो वेशभूषा भी थोड़ी जैकेट में हेयर स्टाइल भी आपके जैसा रखा है। ए भगवान जी। कुमार भाई आप ही जवाब देंगे इनका। सर बस यही है कि माफी मांगते रहे। जैसा भी मिल गया है निभाइएगा, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। और आप कभी भी ऐसा मत कोशिश करिए कि ये सुनाएं, आप लाइव सेवाओं के लिए आमंत्रित कर सकती हैं। मैं आपसे वहां करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर मेरी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। सुबह निकलता हूँ, दिन भर दौड़ता रहता हूँ सर। कहाँ से निकलते हैं सुबह? घर से। घर से निकलते हैं? रियल एस्टेट का अपना बिजनेस है सर। अच्छा जी। तो दिन भर दोस्त कुछ नहीं बोलते हैं, रात को आता हूँ सर घर पे सो जाता हूँ। अच्छा जी। खाना का खा करके सुबह उठता हूँ सर, बीवी मुंह फुलाए बैठी रहती है। अच्छा जी। और सर झगड़े हो जाते हैं थोड़ा बहुत, बोली रात भर फाट फाट मारते रहते हो। क्या मारते रहते हो? फाट मारते रहते हो सर। फाट फाट। हाँ सर। अभी वही इनके अंग्रेजी में कहते हैं अभी ये
भाई आपकी समस्या है सर। मैं जरा एक मिनट, हाँ आप बोलिए, हाँ बोलिए बात के लिए। बहुत अच्छे नहीं, कमाल ही हो रहा है आज। तो ये शादी से पहले नहीं मारते थे? कोई बोलता ही नहीं था सर। आप उल्टा सोते हैं छाती के बल? नहीं नहीं सर, सीधा सोता हूँ। सीधे सोते हैं, उसके बावजूद इतनी आवाज है। कितना इनकी तीव्रता अगर मापी जाए यार ये तो रिक्टर स्केल पे क्या मापा जाए। मैं आपकी धर्मपत्नी आई है साथ में? हाँ सर। मैं माइक दे दीजिए मैडम को। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हो गए 18 साल हो गए। 18 साल तो संख्या तो लाखों में हो गई होगी। बहुत ही बड़े। ओए, ओ तो वो गैस होती है उसमें कोई नहीं। आपके घर पे गैस पाइपलाइन आते हैं या सिलेंडर? सिलेंडर है तो भरा करो। कितने ऑनेस्ट हैं आपके हस्बैंड, जो भी करते खुल के बता तो रहे। शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मनोज सर। हेलो पंकज सर। हेलो कुमार सर। मेरा नाम डॉक्टर तृप्ति है। हेलो डॉक्टर। हेलो। हम डॉक्टर भाई ऐसा नहीं है हमारे शो में, देखिए कैसी पढ़ी लिखी ऑडियंस। डॉक्टर्स, यस डॉक्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? थैंक यू। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि शादी में तो मम्मी डैडी रिश्ते तो लेके आते हैं। हाँ जी। बायोडाटा देखती हूँ तो अच्छे लगते हैं, आई मीन फोटो और वो, पर जब मिलने जाती हूँ एक दो बार मिलने के बाद पता नहीं क्या होता है, ना हो जाता है मेरा। आप ना करती हैं? हाँ। डॉक्टरों के रिश्ते आते हैं आपको? डॉक्टर अभी तो, पहले तो डॉक्टर देख रही थी। हाँ जी। अभी पसंद नहीं आ रहे तो फिर अभी तो कुछ भी चलेगा। आप किस चीज की डॉक्टर है मैम? एम पीडियाट्रिशियन, छोटे बच्चों के डॉक्टर। छोटे बच्चों के डॉक्टर। अच्छा, ये बच्चों के डॉक्टर, उनका बड़ा फायदा है, है ना? ठीक हुआ नहीं हुआ बच्चे ने कौन सा बताना है? ओह। मैं एक्चुअली कुंडली भी देखी तो उसने बोला गुरु जीरो है, शुक्र जीरो है, तो जब तक गुरु की स्थान चेंज नहीं होता तब तक शादी नहीं। गुरु गुरु अपना स्थान बदल लो, स्थान चेंज करो, तो जगह बदल के देख लो, घर कहीं और शिफ्ट हो जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं, वो भी करके देखा। वो भी करके देख लिया। पर आप डॉक्टर हैं, हाँ वो अलग बात है, आपको कोई पसंद नहीं आता, नहीं तो रिश्ते तो आ ही रहे हैं। एक बोल रहे हैं स्वयंवर रचवाओ। अच्छा, स्वयंवर रचाना है? शादी आई आपको? और पीछे काफी है नौजवान जो है, कौन कौन है जो मैडम को देखिए प्रपोज करना चाहता है, वो उनके हाथ में आगे वो पसंद करें ना करें, कोई है भाई साहब? यहीं पे अभी मसला हल किए देते हैं भाई। कौन है? लड़की डॉक्टर है? हाँ जी, आइए खड़े हुए हैं, भाई साहब को माइक देना जरा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब को देखने से पहले आप डॉक्टर साहब को दिखाओ। साहब पूरा देख सकते हैं मुझे। पतले आदमी का पेट निकला हो ना और गंदा लगता है। नहीं, नाप के देख लो ना, एक इंच भी नहीं निकला हुआ है। नापने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या बालूशाही डाली हुई है? अभी तो खींच लिया है इन्होंने। कहाँ से आए ब्रदर आप? मैं वाशी, न्यू बॉम्बे से आया हूँ। वाशी से आए, तो क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी शॉप है। डॉक्टर साहब यही पे रिश्ता तय कर देते हैं। डॉक्टर साहब ज्वेलरी शॉप है जी, शॉपिंग करने की जरूरत, घर पे ही दुकान है। पूछ लीजिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मुझे पूना का चाहिए। पूना से चाहिए? एक पूना में भी शोरूम खोल दूंगा। आप अपनी वैसा खर्च करके किसी का शटर खोल देते हैं? मतलब अपनी खुद की दुकान? नहीं, मेरी खुद की दुकान है। हाँ जी। जब मैं डॉक्टर से शादी करूंगा तो उसका भी तो पैसा आएगा ना, तो एक और तो हो जाएगा। ये ऐसे ही होता है इसलिए मैं रिजेक्ट कर देती हूँ ये। हाँ, ये बात करके गुड़ गोबर कर दिया। नहीं तो डॉक्टर साहब मानने वाले थे वो। नहीं, मैं दो तीन शॉप ओपन कर लूंगा, उसके बाद में आप शादी कर लो, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है अभी यहाँ करने का। आपके पास अपॉर्चुनिटी है? थोड़ा सा लालची निकला, बंदा तो ठीक है। मारवाड़ी हो ना, थोड़ा सा लालच रहेगा खून में। अच्छा, मारवाड़ी है यार, बड़ा देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में आपका बड़ा योगदान है भाई साहब।
भाई मारवाड़ी आपने तो रिसर्च की है काफी मारवाड़ी लोग नहीं ये बहुत कम में काम चलाते हैं जैसे मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करते हैं लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था है ना उसमें जो टैक्स भरते हैं ना उसमें मारवाड़ी लोगों का जैन लोगों का नंबर वन योगदान अरे वाह बहुत अच्छी बात है टैक्स भरना डॉक्टर साहब आपको लड़के में क्या क्या चाहिए हम ढूंढ देते हैं अभी ध्यान इस तरफ लग गया मैं मेरे फ्रेंड से सजेशन लेती हूँ तो कोई बोलते है कि लड़का अच्छा देख पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है हाँ जी ये तो है पैसा तो आप भी बड़ा अच्छा कमा लेती हैं कोई कोई बोलता है तो लड़के तो वैसे भी अच्छे नहीं होते हाँ तो एटलीस्ट पैसा तो देख डॉक्टर साहब फिर हम ना समझे देखते बाहर जाके देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू डॉक्टर साहब बाजपेयी मनोज जी के लिए जोरदार ताली हो जाए त्रिपाठी पंकज जी के लिए जोरदार ताली हो जाए क्या हुआ उल्टे नाम क्यों ले रही है अच्छा कुमार विश्वास हो सकता है बाजपेयी मनोज नहीं हो सकता हाय सर कैसी हैं आप कैसे सर बहुत अच्छा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है काफी बड़ा सपना है अभी आया नहीं जब आएगा ना आपको तो पता चलेगा सवाल पूछने का था मेरे को जी जैसे कुमार विश्वास है आप जी जी अक्षय कुमार है मनोज कुमार है दिलीप कुमार है तो आपने कुमार पहले क्यों लगा लिया मतलब आपको अपने कुमार पर विश्वास नहीं था क्या लेकिन जो भी है सर इस बंदी का आपको तुक बंदी भरा नमस्कार बंदी। मैं सच्ची बोलती आप लोग को कवि लोग जो रहते हैं ना जी। वो शो पे काफिया लेकर आती है लेकिन ये पहले कवि है जो माफिया लेकर आए अपने So good, so हम good. लोग का 70 एपिसोड से ऊपर हो गया है कपू ठीक है स्टेज के ऊपर आज मैं पहली बार विश्वास के साथ खड़ी और विश्वास के साथ मैं एक ही चीज कहूंगी क्या कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है आप ही देखो सर के लिए जोरदार ताली हो जाए बस हाय मनोज जी हेलो कैसे आप अब बहुत अच्छा आप लास्ट टाइम में आए थे वो कौन कबूतर चिड़िया पिक्चर सोन चिड़िया पिक्चर के लिए हाँ। बहुत अच्छा लगा मैं कबूतर आप आए थे हाँ। मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी आपकी क्या सपना मतलब ऐसे आते आप कभी पूछते नहीं सपना कैसी है क्या तेरा चल रहा है मेरे को अच्छा नहीं लगता सर टीवी पे सब लोग देखते हैं नाला सपना में अभी पूछ लेता हूँ कैसी है सपना ठीक हूँ मैं ए सपना ये क्या है करारा जवाब मिलेगा ये कुछ भी पूछेंगे करारा जवाब मिलेगा बैठिए बैठिए सपना बैठिए सर मनोज जी कितना मेहनत करके ऊपर है कितनी फिल्में की रोड से सीधा राजनीति वरना यहाँ पर लोग राजनीति करके रोड पे आ जाते सर मेरे को राजनीति से याद आया जी आपने भी आपके साथ राजनीति की थी ना जी उन्होंने मेरे साथ राजनीति कर दी आपके साथ राजनीति हो गई खैर बड़ी नॉलेज सपना ये सब एकरा के बहुत पुराना जाने ला हमारे भोजपुरी भी आ गए अच्छा हाँ सब जब मैं भोजपुरी पिक्चर में हीरोइन भी रही है ना कौन सी पिक्चर मेरी पिक्चर रिलीज हुई थी खिला खिला के पिज्जा छत पे दबोचे जीजा मैं इनको स्ट्रगल टाइम से जानती है कब से बहुत टाइम से जब ये स्ट्रगल करते थे मेरे को कितना बोलते थे सपना घर पे आना घर पे आना अब मैं घर आती तो बोलते ओ स्त्री का लाना स्टार बन जाते ना पैसे आने के बाद सब भूल जाते हैं कब सर आपने वो पिक्चर में मस्त काम किए सुपर 30 मेरे को बहुत अच्छा लगा ऋतिक रोशन ना सर ये जो हीरो लोग रहते हैं मेरे को पूछने का था इन लोग के घर पे भी कमोड रहते हैं क्या क्या फालतू बातें कर रही है तू चल निकल यहाँ से क्या क्या निकल मैं इधर काम की बात करने के लिए आई लिए एक लड़का ना मेरे पीछे पड़ गया कप्पू तो उसकी गलतफहमी दूर करना
वो कुमार जी का बहुत बड़ा फैन है. अच्छा. नाला सुपारा में रहता है सर. अच्छा. वो भी कविता विता लिखता है. अच्छा. हाँ, उसका नाम है अशोक कुमार मलेरिया. हाँ, तो उसको मैं बुलाना चाहेगी सर, आपकी इजाजत है. हाँ, बिल्कुल. हाँ, किधर रहे हो? हुजूर, हुजूर, हुजूर. हाँ, खजूर आ जाए. हाँ, क्या? हाथ मत मिलाना, मलेरिया है वो. हाँ, क्या? आप सब साहिबान के सामने. हाँ, दो लाइनें पेश करता हूँ. हाँ, चल सुना, चल जल्दी. साहिबान, मैंने जब देखा उसके सुर्ख होठों की तरह. तेरी तो है, इतने बड़े बड़े स्टार लोग बैठे लिए, तू होठ सुर्ख देख रहा है उसके? होठ देखने के लिए दरबीलन लोग हैं हम लोग के पास में, सुर्ख वाले. तू कविता सुना जी मोहतरमा? दूसरी सुना देते हैं. हाँ, दूसरी सुना, दूसरी देते सुना. तो पहली वाली का क्या होगा? मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दी. तुम सब मर्द एक जैसे. पहली वाली से मजा नहीं आता तो छोड़ देते. कविता सुना, दाद दीजिएगा. दे देंगे. ए भिखारी हट, दाद दीजिएगा. मांगने के लिए दरमाए 1 करोड़ मांगे, तू क्या दाद मांग रहे? हाँ मैं मांगी सर. हाँ, कविता सुना. सुनाई. मैं जो निकला अपने घर से बाजार. हाँ? जाने के लिए. हाँ, तो फिर क्या, घर से निकलता है आदमी, दूसरे के घर से निकलता है क्या बाजार जाने के लिए? अबे क्या सुना रे, कविता सुना ना. हाँ, मैं जो निकला अपने घर से बाजार जाने के लिए. अबे वो एड़े जल्दी निकल, शाम हो जाएगी, घर भरसक भी आएगी. मैं जो निकला अपने घर से जल्दी बाजार जाने के लिए. अबे वो सारा मेरा मैटर बोल रहा है, जो जो मैं बोल रही है रिपीट किया जा रहा है. तू कविता सुनाने के लिए बुलाया ना तेरे को मैंने. हाँ. तो सुना ना. मैं जो जल्दी जल्दी बाजार निकला बाहर जाने बारिश के लिए, तो मुझे तेरी बहनिया. भाग इधर से. हाँ. चल निकल इधर से. बड़ा आया, पूरा मूड खराब कर रहा है इधर लोग का. ले ले, खा लेना रस्ते में. हाली फूकर नहीं सर. सॉरी सर, ऐसे लोग नाला सुपारा में ऐसे मलेरिया कुछ भी सुनाते. हाँ. मैं आपका लेकिन मूड खराब होने नहीं देगी सर, मैं आपको सुनाएगी कभी. सुनाइए. मैं लिख के लाई लिए. हाँ. कोई दीवान. नहीं, तो आपका है ना. अभी मेरी वाली कविता. इसने मेरे को लड़की बनाया है 10 महीने से. तो मेरे ऊपर कविता लिखी है. अच्छा. कोई भांजा समझता है, कोई भांजी समझता है, मगर पैसे की मजबूरी तो बस चैनल समझता. यहाँ पे कितने भी लड़के लड़कियां बन बन के आ जाएं, बाबा, पर मेकअप की मजबूरी तो पूरन सिंह समझता. बहुत अच्छा, बहुत बहुत बड़ा लिखा. अगर आपको इसमें मजा नहीं आया तो हमारे पास मसाज भी है. मसाज. सर पंकज जी, आई रन पार्लर हियर. हाँ, तो कभी आइएगा हमारे पास, अलग अलग टाइप का मसाज है. आपके लिए स्पेशल राजनीति मसाज है. अच्छा, उसमें क्या? इसमें कह रहे थे हम लोग दो कस्टमर को बुलाते हैं. एक कस्टमर को स्ट्रेचर पे लेटाते, एक को कुर्सी पे बिठाते. फिर कुर्सी वाले की मसाज कर देते. फिर स्ट्रेचर वाला उठता है, बोलता है मेरा मसाज तो हुआ ही नहीं. तो हम कहते तेरे साथ राजनीति हुई है. तो क्या बात है, राजनीति में ऐसा रहता है, जिसकी कुर्सी उसकी इज्जत. फिलहाल इनको इज्जत मिल रही है, उसमें क्या है. नील बटा सन्नाटा मसाज है हम लोग के पास में. अच्छा, इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते है, उसको तेल लगाते है और सन्नाटे में लेके चलते. और फिर उसको इतने डंडे मारते जब तक उसके बदन पे नील ना पड़ जाए. ऐसा रहता है हमारा खतरनाक. फिर हमारा गैंग्स ऑफ वासेपुर मसाज है सर आपके लिए. इसमें क्या, कस्टमर को बुलाते हैं, कपड़ा खोल के उसको तेल नहीं बारूद लगाते उसके बदन. उसके बाद दो गैंग वाले आते. अच्छा, फिर क्या, पुलिस आ जाती है. हर वक्त मसाज थोड़ी चलती, रेड भी पड़ती है हम लोग की. कैसे ऐसे ही. सर आपके लिए स्पेशल है न्यूटन मसाज. अच्छा, ये क्या होता है? इसमें क्या करते, कस्टमर कपड़ा उतारते है, फिर हम उसको तेल लगाते है, फिर वो हमको तेल लगाता है, फिर हम उसके मसाज करते है, फिर वो हमारी मसाज करता है, हम उसको तेल लगाते है, हमको ऐसा अगल बगल चलता है. ये सब क्या है? न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. क्या
मैं सर चलती है, मेरे को ना वो आपके डायरेक्टर है ना तिग्मांशु, हाँ हाँ, हाँ वो अपना धुलिया छोड़ के गए, उसको धोना है मेरे को जाने का, मैं जाता हूँ। क्या बात, मैं हेलो, हाँ जी 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 मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो, मैं आस्था शर्मा हूँ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। जी आस्था, स्वागत है आपका। कुमार जी मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके शेर को पेश करने का लहजा और आपकी कविताएं मैं खूब सुनती हूँ। सर मैं थोड़ी उत्सुक हूँ जानने के लिए कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप और मैं हूँ तो आप उसमें मेरे लिए क्या कविता पेश करेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कुमार विश्वास हैं और मैं आस्था शर्मा हूँ, तो वो विश्वास और आस्था के साथ अगर आप कुछ पेश करना चाहें। आस्था में तो मेरा ही बड़ा विश्वास है। नहीं नहीं हम तो शर्मा जी के बच्चे हैं। तो आस्था बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपको और ईश्वर आपको ऐसी सिचुएशन में डाले और मुझसे बेहतर और मुझसे खूबसूरत अशार कहने वाला कोई शायर दिल आदमी आपसे इश्क करे। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके लिए और अच्छे शेर कहे। एक बार जोरदार तालियां आज के हमारे मेहमानों के लिए जो समा बांधा है। मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू कुमार भाई। और अब ये जो किताब कुमार भाई की जो लॉन्च हुई है, सो हम चाहेंगे कि मंच पे उसका विमोचन किया जाए ऑफिशियली, सो प्लीज लेके आइए। ये एक देसी कवि की दूसरी किताब है मशहूर किताबों में, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इसका विमोचन करें और कपिल आप कपिल आप करें। अरे हदात लगा था। तुम्हारा फोन आया है। क्या बात है, वाह। अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। बहुत ही खूबसूरत है और बढ़िया है। क्या खूबसूरती से आपने पढ़ा है मनोज भाई, थैंक यू सो मच। अभिनय ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बात है। तो दोस्तों इस खूबसूरत मौके को कैप्चर करने का वक्त है। वाह क्या तस्वीर है भाई। के लिए और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबक है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।